नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेद जायका हनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज पूरे भारत में बल्कि विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये एक हमारा जो पुराना आयुर्वेद चला आ रहा था उसका ही एक बहुत बड़ा अंश है, जिसके माध्यम से, जिसके करने मात्र से ही बहुत सारी बीमारी जो डॉक्टर या वैद्य जो हमारे ठीक नहीं कर सकते, उनको हम स्वयं ठीक कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो आज हर जगह देखा जा रहा है, बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं चल रही हैं योग दिवस के लिए। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और आप बधाई के पात्र हैं जो सुबह समय निकाल करके योग करते हैं, क्योंकि आज का जो वातावरण हो चुका है वो लोग आपाधापी में जैसे लगे हुए हैं, चाहे वो सामाजिक काम करते हैं, चाहे खुद के व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो हर चीज़ के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन एक खुद के लिए आधा घंटा से एक घंटे तक का समय निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जिस वजह से आप चाहे छोटे बच्चों को देख ले या फिर एक मिडिल लेवल के बच्चों को देख ले, क्योंकि बुजुर्गों में बीमारी का आना एक स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन जब बच्चों में आज के दिन अगर हम चेक करवाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और युवाओं में आज के दिन हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि युवाओं की हार्ट से मौत हो जाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, जो चिकनाई बढ़ जाती है, जो मेहनत करने से ही कम हो सकता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो सुख होता था वो हमारा, ऐसे बोलते हैं, सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपनी जो इनकम रहती है उन सारी चीज़ों को हम अपने परिवार के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने शरीर को समय देना होगा, समय से उठ कर के सुबह वर्कआउट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे तभी हम अपने जीवन को एक स्वस्थ और सुडोल बना सकते हैं, अपने शरीर को एक अच्छा सुंदर रूप दे सकते हैं। तो मैं सभी को आज योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे युवा भी सुबह सुबह यहां रोज योग करते हैं और स्टेडियम में हम आए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा, क्योंकि जो कार्यक्रम रखा था लेट था, तो बच्चे सुबह सुबह करके चले जाते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके शरीर के लिए समय निकालें, और जब आप समय निकालते हैं तो आपका शरीर सच में ही एक स्वस्थ शरीर बनता है, और आप एक युवा, जो हमारा आज भारत देश है जो युवाओं का देश है, तो वो जो उभर करके आएगा एक स्वस्थ भारत देश बनाने का हम काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।